Hello student, today we will discuss the second module of the chapter freedom. In this we will discuss the basic meaning of this concept. So to understand the concept of freedom, we need to understand the two major aspects of freedom: absence of constraint and existence of favorable conditions. So first we will discuss about absence of constraint. So absence of external constraint means if there will be any restrictions, any constraint on any individual or citizen, then that person will not able to enjoy a free life. So no individual living in a society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. So here we need to understand ki constraints ka nahi hone ka matlab ye nahi hai कि एक पर्सन को कुछ भी करने के लिए आप ओपन छोड़ दो. कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, लेकिन वो एक तो मिनिमम कॉन्स्ट्रेंट होंगे और जस्टिफाइड कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे. सो देर आर टू कीवर्ड्स यू नीड टू नो दैट ऑल्दो फ्रीडम इज अबाउट नो कॉन्स्ट्रेंट्स, बट अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होगा तो पीपल कैन मिसयूज देयर पावर, दे कैन मिसयूज देयर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को यूज करने के लिए कि भाई हमें फ्रीडम है, इट कैन violate the freedom of other. So this is the reason कि कोई भी society बिना constraint के नहीं हो सकती, otherwise might is right वाली condition हो जाएगी, it will be like a jungle raj. So to avoid this each and every democratic country imposes certain reasonable restrictions. So here this point मैं आपको ये बात ध्यान रखनी है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट का मतलब ये नहीं है कि नो कॉन्स्टेंट. यस देर विल बी कॉन्स्टेंट, बट सच कॉन्स्टेंट्स विल बी जस्टिफाइड. फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो सेकंड चैप्टर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, इन दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. लाइक ऑन ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट्स गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, they have certain reasonable restriction. For example, right to freedom is given, but uska matlab ye nahi hai ki we can say anything against anyone's respect. To hum kisi ke bhi pride, kisi apne nation ke pride ke against kuch nahi bol sakte, hum kisi aur individual ke against koi bhi wrong remark nahi kar sakte. Yes, we have freedom of expression, but uska matlab ye nahi hai ki we can misuse it. हम किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बात नहीं बोल सकते जिससे कि उसका प्रेस्टीज हर्ट होता हो. सो दिस इज द रीजन दैट कॉन्स्टेंट्स आर नेसेसरी, बट सच कॉन्स्टेंट्स शुड बी जस्टिफाइड. कुछ ऐसे रूलर्स भी हैं लाइक डिक्टेटर्स, वो कुछ अनजस्टिफाइड कॉन्स्टेंट भी ह्यूमन बींग के लाइफ में इम्पोज करते हैं, दैट कुड बी अपोज्ड. ऐसे कॉन्स्टेंट को हम अपोज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत लॉन्ग टाइम तक, इवन कुछ कंट्रीज़ तो आज भी फॉलो करती हैं कि वहाँ पर वुमेन को राइट नहीं मिलता, और वुमेन जो प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहती वो भी अलाउड नहीं होता. काफ़ी मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज़ है दे फॉलो सच थिंग्स. अब तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, बट पास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, वहाँ पर वुमेन राइट्स बिल्कुल भी नहीं थे. सो अगर अनजस्टिफाइड कॉन्स्टेंट है दैट कुड बी अपोज्ड, अदरवाइज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शुड बी रिस्पेक्टेड. सिटीजन शुड अबाइड सच रूल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिसिप्लिन्ड सिस्टम इन अ कंट्री. सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस. So freedom is not only about no restrictions or constraints or minimum constraints. It is also about providing an environment where citizen can develop their capabilities, their creativities. So agar kisi bhi individual ko wo opportunity nahi milegi, aisa environment nahi milega, to wo ek healthy life lead nahi kar sakta. Wo life phir kaisi hogi? Puppet ke jaisi. So ek individual ko वो करने की अपॉर्चुनिटी अगर स्टेट देता है जो वो करना चाहता है, तो देन दैट पर्सन कैन डेवलप इट्स फुल एबिलिटीज़. अदरवाइज हम किसी से इंडिविजुअल को बाउंड कर दें
कि दे हैव टू वर्क इन माइंस, सपोज माइनिंग एरियाज हैं कि नहीं कंपल्सरी कर लें कि आपको तो माइन में काम करना ही पड़ेगा, देन व्हाट वुड हैपन? वो जो पर्सन उसमें जो स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं, सपोज दैट पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग एल्स इन हिज लाइफ, तो वो नहीं कर पाएगा. सो वी कैन नॉट बाउंड एनी सिटीजन टू डू एनी स्पेसिफिक वर्क. दैट पर्सन शुड बी अलाउड टू डू एनीथिंग दैट दैट पर्सन वॉन्ट्स टू डू. सो इन दिस वे एग्जिस्टेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस आर क्वाइट रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. सो देर आर मेजर थ्री सोर्सेज दैट वी विल डिस्कस. वन इज इम्पोज्ड बाय फोर्स, और इट मे बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉज विच एम्बॉडी द पावर ऑफ द रूलर्स ओवर द पीपल. सो अगर आप फोर्सफुली कोई भी कॉन्स्ट्रेंट अगर इम्पोज करते हो, देन सिटीजन्स विल नेवर गोइंग टू रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ रूल्स. अगर वो फोर्सफुली जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो अनजस्टिफाइड है, देन सिटीजन्स कैन स्टार्ट एनी मूवमेंट, प्रोटेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो जनरली डिक्टेटर्स या नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स इम्पोज करते हैं. पास्ट का अगर एग्जाम्पल हो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, कोलोनियल जो रूल था, या फिर साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था, सो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. सो इन सच कंट्रीज, इन सच कोलोनियल सिस्टम, ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स वर इम्पोज्ड बाई यूजिंग फोर्स. नाउ सेकेंड वन इज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, सच कॉन्स्ट्रेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय पीपल, बिकॉज द रीज़न अगेन हमने डिस्कस किया, बिकॉज सच कॉन्स्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड, सच कॉन्स्ट्रेंट्स आर रीजनेबल. सो सेकेंड कैटेगरी इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो सिटीजन्स फॉलो करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन. नाउ थर्ड कॉन्स्ट्रेंट इज रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सो कास्ट बेसिस पे अगर कोई इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक बेसिस पर इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर, सो उसको दूर करने के लिए कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट. सो ये भी अगेन रीजनेबल कैटेगरी में आएगा. फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, दैट इन द पास्ट द लोअर कास्ट ग्रुप्स दे फेस्ड लॉट ऑफ एट्रॉसिटीज, ह्यूमिलिएशन. सो दिस वॉज द रीज़न टू अपलिफ्ट देयर लाइफ, गवर्नमेंट हैव गिवन देम सर्टेन स्पेशल प्रेफरेंसेस. सो सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट्स हम फ्रीडम पर लगा सकते हैं. तो हमारे इंडिया में भी ये प्रोविजन इसीलिए किया गया. सो दीज आर द मेजर थ्री कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम. सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट्स.